24 घंटे पहले कानपुर के आनंदपुरी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर DGGI और इनकम टैक्स ने छापा मारा। ताजा अपडेट यह है कि 6 बड़े बड़े बक्सों के भर जाने के बाद भी नोटों की गिनती जारी है। 4-4 मशीनें लगातार नोट गिनने का काम कर रही है। फिलहाल रकम 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीयूष जैन कन्नौज की इत्र वाली गली में कारोबार करने के लिए चर्चित हैं। कन्नौज के अलावा कानपुर और मुंबई में भी पीयूष जैन का ऑफिस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स को कथित तौर पर इनकी 40 से ज्यादा ऐसी कंपनियां मिली हैं जिनके माध्यम से कारोबार चलाया जा रहा था। इस घटना का एक पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पीयूष जैन को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। पीयूष जैन की कंपनी ने समाजवादी इत्र बनाया था, जिसकी लॉन्चिंग खुद अखिलेश यादव ने की थी।